आगरा के थाना एतमादोल्ला फेस टू में एक न्यूज चैनल के पत्रकार के घर पर बाइक सवार बदमाशों ने की कई राउंड फायरिंग। दरअसल मामला आगरा के थाना एतमादोल्ला क्षेत्र के ट्रांस यमुना फेस टू का है। बताया जाता है कि अजेंद्र चौहान एक न्यूज चैनल में पत्रकार है और वही क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि अजेंद्र चौहान अपने परिवार के साथ अपने घर पर थे, तभी बाइक पर लगभग 10 से 12 बदमाशों ने उनके घर पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बहरहाल फायरिंग की सूचना मिलने पर थाना एतमादोल्ला पुलिस मौके पर पहुंच गई है और फायरिंग करने आए बदमाशों को पकड़ने की तफ्तीश शुरू कर दी है। बदमाशों ने आखिरकार फायरिंग क्यों की, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। पेश है आगरा से अमित शर्मा की एक रिपोर्ट। भगत सिंह दिवाकर, दिवाकर फिरोजाबाद। मेरे पकौड़े की पराठे की दुकान है आगे रोड पे, मेन रोड पे। यहाँ से लोग पटाखे यहाँ गोली चलाते हुए निकले और दो फाट तीन चार सामने करे। उसके बाद मैंने ये सोचा आज मोदी जी जीत गए तो इसका मतलब ये थोड़ी आज अत्याचार, ये गोली अभी से चलने लगी तो हम एससी वालों पर क्या होगा। अरे गली में रहते हैं हमारे ठाकुर साहब हैं, जब ठाकुरों पर अत्याचार हो रहा है, पत्रकार भी है और उन पर अत्याचार हो रहा है तो एसी वालों पर क्या होगा फिर, हैं? एसी वाले तो दबके रह जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ राजनाथ सिंह और मोदी जी और जो मुख्यमंत्री बने इन पर कंट्रोल पर, गुंडों पर जो गोली चलाते हैं और पटाख फाड़ करते हैं।